तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको चाहिए कील और उसके साथ चाहिए एक वायर। इस वायर को लपेटना है आपको इस कील के ऊपर। तो लपेटना शुरू करते हैं, और तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वायर है ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये घरों पर आपको नहीं मिलेगी। घर वाली वायर को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि आपको पता है जब दो वायर को जोड़ते हैं तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये एक इंसुलेटेड वायर है। जैसे मैं इसकी परत निकाल देता हूँ, ये जो बाहर की परत है इस परत वाली वायर को बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। तो आपको इसी को ही लेना है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट इत्यादि पे आपको ये मिल जाएगी, या बाजार में भी आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी ये वायर। हाँ, अब हम इसकी इंसुलेशन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम इसमें किसी तरीके का करंट दे सकें। तो अब हम इसमें करंट देना चालू करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ अडेप्टर। अब इस अडेप्टर को लीजिए और इसको कनेक्ट कीजिए इसके दोनों सिरों पर, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट अब तैयार है। बस एक स्विच ऑन करने की देरी है। लेकिन इससे ट्राई करेंगे और भी भारी चीज़ के साथ, जो है एक सरिया। इस सरिया को उठाने की कोशिश करते हैं हम, और इसने बहुत ही आराम से इस भारी मेटल की चीज़ को उठा लिया। आपको पता ही है कि सरिया कितना भारी होता है, और इसने बहुत ही आराम से उठा लिया इस चीज़ को। तो आपके लिए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है, और जैसे ही हम इसको स्विच बंद करते हैं वैसे ही ये अपना मैग्नेटिज्म त्याग देता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। उसके लिए चाहिए हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा करंट होता है एज़ कम्पेयर टू 6 वोल्ट। और हमने कनेक्ट कर दिया है इसको 3 पैरेलल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ। और पैरेलल में जब किसी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, उस वजह से इतना सारा धुआं बन रहा है। दोस्तों देखिए कितना सारा धुआं बन रहा है इसमें, ये जल रही है, देखिए बहुत ज़्यादा हीट बन रही है इसमें, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है ये, देखिए धुआं धुआं ही हो रहा है चारों तरफ। तो हाँ, और इसकी जो इंसुलेशन है वो भी निकल रही है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं साइड में इसकी इंसुलेशन भी निकल रही है। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ कि इसकी इंसुलेशन कैसे निकल रही है, और धुआं अभी भी निकले जा रहा है। ओह, देख सकते हैं आप कि इसकी इंसुलेशन ही निकल गई। तो इस एक्सपेरिमेंट को केयरफुली करना।